नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। तो चलिए रुक करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों का। राजस्थान में अलग अलग ब्लॉक स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें समस्त भील परिवार आदिवासी एसटी से निर्वाचित समुदाय के सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि की सामूहिकता में आदिवासी भील समुदाय के लोगों ने उपखंड अधिकारी रानीवाड़ा को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी भील समुदाय के लोग मौजूद रहे। आदिवासी जयस भील ने ज्ञापन में बताया कि उदयपुर संभाग के जिलों में ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया था, जबकि राजस्थान के हर कोने में आदिवासी समुदाय रहता है। उनके साथ में अन्यायपूर्ण व्यवहार चिंता का विषय है। 9 अगस्त को राजकीय अवकाश घोषित किया जाए, ताकि आदिवासी समुदाय से विद्यार्थी कर्मचारी का विश्व आदिवासी दिवस पर्व में सम्मिलित हो सके। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए उत्तम कुमार राजपुरोहित की रिपोर्ट। तेलंगाना राज्य के वारंगल शहर में सरकारी दवाखाना MGM में बीजेपी कार्यकर्ताओं व नेताओं ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगाए और कहा कि MGM हॉस्पिटल में कोरोना महामारी के चलते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वारंगल जिले में आज MGM हॉस्पिटल में 48 वेंटिलेटरों की सुविधा दी है। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए गोवर्धन उपाध्याय की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।